भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में कल विभागों को बंटवारा कर दो है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रियों के लाने और इन बंटवारे पे सबकी नज़र हती कि आखिर की को कौन सा विभाग मिले, और विभागों की सूची तो आप सबको पतो चली गई हुई है, लेकिन आखिर पूरे विभागों को लेके की तरीके की परिस्थितियां हैं, कौन से मंत्री को कद बड़े हैं, कौन से को कम भाव है, ई को लेके जो पूरा विश्लेषण है। दरअसल मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद गृह मंत्री को पद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे है, और ई को लेके उत्तर प्रदेश को फॉर्मूला बताओ जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री को जो पद है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मिसाल दई जात है भाजपा के लोगों के द्वारा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गृह विभाग के जरिए कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लाओ है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, और कानून व्यवस्था पे अब भी काम करें अपने तरीके से। और दूसरों गृह मंत्रालय उनके पास होवे की बड़ी वजह जा भी है कि भारतीय जनता पार्टी में कई सारे वरिष्ठ नेता इस सरकार में हैं, और इन लोगों को अगर गृह मंत्रालय मिल तो फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव चूंकि कई सारे ऐसे नेताओं से जूनियर हैं, तो ऐसे में कोनो प्रकार की विवाद या मतभेद की स्थिति बन सकती। यही वजह से गृह मंत्रालय खुद मोहन यादव के पास है, और इसके संग ही जनसंपर्क मंत्रालय और खनिज मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास हैं। उतने बड़े मंत्रालयों में बात करें तो नगर को विकास करें कैलाश विजयवर्गीय और गाँव को विकास करें प्रहलाद पटेल। दो ही नेताओं को उनके कद के हिसाब से विभाग दिए गए हैं, बड़े विभाग दिए गए हैं। इसके संग ही राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे बड़े विभाग दिए गए हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को भी वित्त मंत्रालय जैसे बड़ो मंत्रालय मिले हैं। इन लोगों को कद भी लगातार बढ़ रहा है, और इसके संग ही अगर दो और जो सांसद जो हैं जिनको मंत्री बनाओ गए है उनमें से जो है राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी विभाग जैसा बड़ो विभाग दो गो है, जबकि राव उदय प्रताप सिंह को परिवहन और स्कूल शिक्षा जैसो बड़ो विभाग दो गो है। कुल मिला के बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चुन चुन के जो जिम्मेदारियां दी गई हैं। उतई ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तीन करीबी मंत्री हैं उनमें से दो लोग अपने पुराने विभाग को बरकरार रखने में कामयाब भए हैं। तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग मिले हैं, जबकि प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिली है, और लगातार इन लोगों के पास जय विभाग पिछले सरकार में हते, लेकिन गोविंद राजपूत चूंकि पिछली बार दो बड़े मंत्रालय उनके पास हते, इबेर उनके पास केवल एक मंत्रालय है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जिम्मा उनको है जो भी अहम मंत्रालय है, लेकिन परिवहन और राजस्व के मुकाबले तनक कमजोर है। उतई स्कूल शिक्षा मंत्री रहे इंदर सिंह परमार को इबेर उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और विजय साय को जो मंत्रालय है पिछली बार उनको बड़ो विभाग तो वन विभाग, लेकिन इबेर कई विवादों के चलते उनके विभाग को तनक छोटो करे गो है, उनको जनजाति कार्य और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दो गो है। संग ही भोपाल गैस राहत को विभाग भी पहली बार भोपाल से बाहर के विधायक के तौर पे विजय साय को दौ गो है। उतई अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में बात करें तो कृष्णा गौर को पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण बेमंतु घुमंतु अर्ध घुमंतु विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ओबीसी मुद्दे के चलते जो विभाग अहम है, जबकि धर्मेंद्र लोधी को संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास जैसो महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए है, जो विभाग संघ के करीबी लोगों को दौ जाते ऐसी बात कही जाते है। पिछली बार भी जो विभाग उषा ठाकुर के पास हतो, जबकि लखन पटेल को अपेक्षाकृत कमजोर विभाग मिले है, इनको पशुपालन और डेयरी उद्योग विभाग मिले है। कुल मिलाकर कई बड़े मंत्रालय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास रखे हैं, लेकिन बाकी जो मंत्रालय हैं वे जो बड़े कद के नेता हैं उन सब नेताओं को अपने अपने कद के हिसाब से विभाग मिले हैं। कछु को नुकसान कछु को फायदा विभागों के बजट के आधार पर अगर बात करें, लेकिन सच्चाई यह है कि हर विभाग अपने आप में अहम होते हैं। अगर उनमें काम करे जाए, नए प्रयोग नवाचार करे जाए, तो कोनो मंत्रालय ना छोटो होते ना बड़ो होते। राम राम। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।